हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज का ब्लॉग मेरा किचन से स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे बर्तन धोने के लिए आई थी। सुबह में मैंने जो है बर्तन मीन्स किचन तो साफ कर ली थी, बर्तन भी धो लिए थे, बट चावल बनाए थे गरम गरम, क्योंकि पति देव आज खा के नहीं गए थे। वो कह रहे थे मुझे चावल नहीं खाने हैं, कॉस्ट ठंडी ज़्यादा थी। सो मैंने फिर बाद में बनाए थे जब भैया के आने का टाइम हो गया था, तो फिर कुकर ऐसे ही रख दिया था। बच्चों ने खाना खाया, मैंने खाना खाया, कुकर हो गया, तो ये सारे बर्तन हो गए हैं काफ़ी सारे, तो बस मुझे धोने हैं। यहाँ पे मैंने इससे टोकरी से बर्तन जो है रैक में जमा दिए हैं, एंड यहाँ पे सारे निकाल के रख लिए हैं, तो इनको धोना है मुझे। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे पहले मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर जो है ठीक रहता है, ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है तो। और शाम का खाना मुझे बनाना नहीं है, भाभी के यहाँ जाना है सुहागलें थी, तो फिर मैं दिन में नहीं गई थी, मेरी तबीयत सी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा आज मैं सुबह में नहीं आऊँगी, शाम में ही आऊँगी, जब यहाँ जाएंगे तो इनके साथ में ही। सो जब ये आ जाएंगे तो इनके साथ में ही जाऊँगी। आज मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई, लिप बाम बस लगाया है, क्योंकि लिप्स जो है काफ़ी ड्राई ड्राई लग रही थी, और जो है दूध भी उबाल के रख दिया है। और आप देख सकते हैं स्टैंड में सिर्फ 2 गिलास हैं, वो भी बड़े वाले, एक लोटा रखा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी बर्तन नहीं बचे हैं। तो बच्चों के कारण कुछ भी नहीं बचता, और थोड़ा बहुत जो रह गया है वो भी मैं ढूंढ लूँ, क्योंकि बच्चों ने इधर उधर उधर फेंक दिए होंगे ग्लास, तो इनको ढूंढ के रखना होता है मुझे। और यहाँ पे मैं लेटी हुई थी तो ब्लैंकेट भी फैली है, आज सारे कपड़े सूख गए हैं, तो इनफैक्ट कल भी सूख गए थे, क्योंकि कल भी थोड़ी सी धूप आ गई थी, तो मीन्स बहुत तो नहीं, पर हाँ जो मोटे मोटे थे वो तो नहीं सूखे थे, बट जो पतले पतले थे वो सूख गए थे, और जो पहले के थे वो भी सूख गए थे। आज ठीक धूप थी तो आज सारे कपड़े सूख गए, सिर्फ उनके पैंट के तो वो रह गया, क्योंकि पैंट थोड़ा सा मोटा होता है तो उसको सूखने में टाइम लगा। मीन्स जो है जो उनकी पॉकेट है वो बस रह गई है सूखने के लिए, पीछे की पॉकेट है, आगे की पॉकेट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, सारा कुछ सूख गया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है सूख जाएगा। और मैंने अभी चूड़ी नहीं पहनी है, सिर्फ काली वाली चूड़ियाँ वेयर करके रखी हूँ। अभी वहाँ जाएंगे तो फिर पहन लेंगे, फिर हम लोगों को कहीं जाना है तो उसके लिए भी मुझे चेंज करना है, तो मुझे बैग भी पैक करना है, और बैग पैक करने के बाद फिर जो है सारा काम करना है, इतना भी काफ़ी सारा काम है मेरे पास। और यहाँ पे भैया ने ब्लू बैग मंगाए थे, तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मीशो से आए थे, तो काफ़ी अच्छी है क्वालिटी, पैसों के हिसाब से अच्छी है, तो ठीक है। फिर चलो फिर मैं फटाफट से उतने बर्तन धो लेती हूँ, और एक ग्रो बैग जो है इसको अच्छे से रख देती हूँ, इसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, यहाँ पे मैं अपने ससुराल पहुँच गई हूँ। सो यहाँ पे हमारे यहाँ भागवत कथा होनी है, और रेखा और भाई साहब को यानी छोटे वाले देवर जी को सुननी है भागवत कथा। सो हम लोगों के यहाँ सबसे पहले नियम होता है कि कोई भी शुभ काम होता है तो हमारे जो कुल देवता हैं ब्रह्म बाबा, सो उनके वहाँ पे जाते हैं सभी लोग, तो उनके नाम से ही भागवत कथा होनी है। सो वहाँ पे तो हो नहीं सकती है क्योंकि अभी फसल हो रही है ना, इसलिए तो फिर बस वहाँ पे छुलाने ले जाएंगे और उनके नाम का दिया दीपक जो कुछ भी होना है वो सारा कुछ कर लेंगे। इसके बाद हमारे घर पे ही बैठेगी, तो आज बैठ के है कलश यात्रा होनी है। सो सभी लोग जितनी हमारे घर की परिवार की औरतें हैं वो वहाँ पे जा रही हैं, और वहाँ से होने के बाद जो है पूजा वगैरह हो जाएगी, इसके बाद कलश यात्रा वहाँ से स्टार्ट होगी। इस साइड से सभी लोग पहुँच गए हैं। सो आप लोगों को रियल वॉइस में सुनाऊँगी मैं सारा कुछ। जितने करवा है जी, हमारी बड़ी मम्मी बैठी है, बड़ा मब्बा का यो में ब्याह हो जाए।
ध्यान नहीं हो फिर हम उम्र कैसे बनाते हैं बल ये सब भाई जब दिन हम बेहा जी का के ठीक दो तो बड़े भैया की मैं गई हो बड़े भैया की वो एक माला निकाल के फूल इनके इधर का दो उनके इधर का दो माला तो माला ये है फूल ये पुराण के लिए है ये माला है पुराण के लिए ये फूल है इसे चढ़ा दो हर जी चार है का है सबसे अच्छी वीडियो आने घर में चाय नहीं हो आओ देखो कितना अब ऐसे बगल से मोड़े खड़ी रहा ऐसे देखो कितनी अच्छी लग रही चल चल ज्यादा भी नहीं बना ले हम आई भी बना ले पीछे से प्लीज
पूरी धूमधाम और पूरे गाजे बाजे के साथ हमारे यहाँ भागवत पुराण की बैठकी हो चुकी है, कलश यात्रा हो गई है। और जैसे मैं बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ के जो कुल देवता हैं वहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, तो वहाँ से पूजा वगैरह होके आ गए थे और हमारे घर के बाहर में ही बैठकी हुई है, क्योंकि गांव है तो गांव में सारे गांव के लोग आते हैं, काफ़ी सारे लोग आते हैं तो घर के अंदर इतने नहीं आ पाते, इसलिए घर के बाहर हमारे काफ़ी ज़्यादा मैदान है, तो वहीं पर जो है बैठकी करा दी गई थी। थोड़ी सी वीडियो की मैंने स्पीड बढ़ा दी थी और मुझे हंसी आ गई क्योंकि मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी और मेरी दीदी को लगा मैं किसी को कुछ बोल रही हूँ, तो वो कह रही थी किसको गालियाँ देने लगी। मैं उनका गालियाँ नहीं दे रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ वीडियो की। और थोड़ी सी बैकग्राउंड से आवाज़ आएगी तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, जस्ट बिकॉज मैं यहीं से जो है वो कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी हो जाएगा और फ़ोन में इतना स्टोरेज नहीं है। सो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर।